हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आज हम आपके लिए एक कार्डिगन का बॉर्डर लेके आए हैं ये कार्डिगन स्वेटर जैकेट किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए ये एक मेरी किसी फ्रेंड ने भी बोला था कि ये वाला बॉर्डर दिखाइए तो मैं आज ये आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बनेगा ये हमारा तीन फंदों का बॉर्डर है ये तीन तीन फंदे बनाएंगे किस तरह बनाएंगे ये आपको मैं बताती हूँ ठीक है तो ये देखिए फ्रेंड मैंने चौदह फंदे डाले हुए हैं और पहला फंदा हमको ऐसे ही शिफ्ट कर देना है धागा आगे करना है फिर हमको ये तीन फंदे एक साथ लेने हैं ये देखिए आप तीन फंदे एक साथ लिया इनको उल्टा बुन दिया इस तरीके से इस धागे को थोड़ा लंबा खींचना है धागा पीछे किया इसको सीधा बना दिया और ये धागा इसको ऐसे लंबा खींचना है धागे को आगे किया इसको उल्टा बना दिया इस तरीके से और ये तब ये तीन फंदों को हमको निकाल देना है ये देखिए फ्रेंड फिर हमको वैसे ही करना है तीन फंदों को लेना है एक साथ इन तीनों को उल्टा बनाना है धागा पीछे करके फिर ये हमारे सीधे बनेंगे फिर धागा आगे करके ये हमारे उल्टे बनेंगे यानी हमने तीन फंदों को तीन बार बुन दिया है एक ऐसे करके अब इसको निकाल देना है तो फ्रेंड्स ऐसे ही ये बार बार रिपीट होगा इस सलाई में ये तीन को ऐसे करना है धागा पीछे पहले में उल्टा बनाना है दूसरे में फिर सीधा बनाना है फिर तीसरे में धागा आगे करके उल्टा बनाना है इस तरीके से फिर एन में ये छोड़ देना है फिर धागा आगे ही रख के इसको तीनों को उल्टा बनाना है ऐसे धागा पीछे इसको सीधा धागा आगे इसको उल्टा यानी तीन फंदों को फ्रेंड्स हमने तीन बार बुन देना है एंड में वो तीन निकाल के ये लास्ट का हमारा सीधा जाएगा इस तरीके से और फ्रेंड्स उल्टी सिलाई में हमको ये सारा उल्टा ही बनाना है ये पूरे फंदे उल्टे ही बनाने हैं तो बहुत इजी है और बहुत सुंदर दिखता है और लूज़ नहीं होता है ये बिल्कुल भी ये वाला बॉर्डर हमारा टाइट रहता है तो फ्रेंड्स इसको डालना आप मैंने अपने सारे कार्डिगनों में यही वाला बॉर्डर डाला हुआ है ये उल्टी सिलाई में हमने पूरा उल्टा बना दिया है फिर इधर सीधी सिलाई आई इसमें भी हम इसको पूरा उल्टा बना देंगे पहले फंदा निकालना है इसको पूरा उल्टा बना देना है ये हमारा पूरा उल्टा जाएगा फिर उल्टी साइड से हमारा उसको भी हम उल्टा बनाएंगे। इसको भी उल्टा ये उल्टा दिख रहा है अब इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। फिर सीधी सिलाई में आके आपको फिर बताते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स ये फिर सीधी सलाई आ गई हमारी इसमें हमने फिर वैसे ही करना है एक फंदा निकालना है फिर ये तीन फंदों का एक करना है तीन फंदों को एक कर लिया धागा उल्टा करके बुना तीनों को इस धागे को थोड़ा लंबा खींचना है फिर इसको पीछे करा सीधा धागा ऐसे फिर आगे करना है और उल्टा ये इस तरह के मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको ये तीनों को एक ही बार में उल्टा बुनना है फिर धागा पीछे करके इन तीनों को सीधा बुनना है फिर धागा आगे करके इन तीनों को उल्टा बनाना है इस तरीके से फिर एंड में ये तीनों फंदों को छोड़ देना है तीनों को एक संग उल्टा बनाया धागा पीछे सीधा धागा आगे उल्टा ठीक है फिर तीनों को एक साथ इन तीनों को एक संग उल्टा बनाना है फिर धागा पीछे करा ये सीधे ये धागा आगे करा और उल्टा इस तरीके से फिर एंड में इन तीनों को छोड़ देना है लास्ट वाला सीधा बनाएंगे फ्रेंड्स ये देखिए आप जितना इसको खींचेंगे इस वाले जो हम अंदर से बुन रहे हैं जितना इसको खींचेंगे उस उतनी आपकी डिजाइन दिखेगा ये देखिए और उल्टी सिलाई फिर हमारी वही उल्टी जाएगी ये उल्टी जाएगी आगे की सीधी उल्टी जाएगी फिर उल्टी साइड फिर उल्टा जाएगा फिर तीसरी मतलब तीसरी सिलाई में हमको फिर ये डिज़ाइन निकालना है हर सिलाई में नहीं निकालना है ये उल्टी सिलाई है ये हमारी उल्टी सिलाई हो गई अब ये सीधी सिलाई आ रखी है तो इसमें भी हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स ये फिर हमारी सीधी सिलाई आ गई है इसमें हमने डिजाइन डाला ठीक है इसमें डिजाइन डाला फिर उसके बाद उल्टा बुना उल्टी सिलाई फिर सीधी भी हमने उल्टी बनाई फिर उल्टी साइड उल्टी बनाई फिर ये हमारी अब इसमें डिजाइन पड़ेगा यानी हमारी चौथी सिलाई में डिजाइन पड़ रहा है ठीक है यही एक बार आपको फिर बता देती हूँ तीनों को एक करना है ये देखिए ये धागा निकालना है धागा पीछे तीनों को सीधा धागा आगे तीनों को उल्टा ये और एंड में इन तीनों को छोड़ देना है फिर तीनों को उल्टा इन तीनों को उल्टा धागा पीछे इन ती, तीनों को सीधा धागा आगे इन तीनों को उल्टा यानी वही है कि फ्रेंड्स हमने तीन फंदों को तीन बार बुन देना है एक ही टाइम में ये तीन उल्टे धागा पीछे तीन सीधे धागा आगे तीन उल्टे फिर तीन उल्टे धागा पीछे तीन सीधे धागा आगे तीन उल्टे और लास्ट का हमारा सीधा तो फ्रेंड्स इस तरीके से है ये अब हमारी उल्टी साइड उल्टी जाएगी फिर सीधी भी उल्टी आएगी फिर उल्टी जाएगी फिर जो सीधी आएगी उसमें हम फिर ऐसी तरह डिज़ाइन निकालेंगे तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप बटन पट्टी में बनाते हैं आगे कार्डिगन में तो अगर आप इसमें काज ना बनाएं तो फिर ये ये इससे चल जाता है आप काज ना बनाएं इसी में ही बटन डाल दें तो वो भी सही रहता है ठीक है आप ये बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा स्वेटर में किसी में भी डाल दो और कमेंट जरूर से ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स हमको अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो तो ये देखिए और बनाइए ठीक है थैंक यू